हेलो एवरीवन, द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 यानी सत्ता की साझेदारी कर रहे हैं। और ये चैप्टर का दोस्तों पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हमने कर लिया है। जिन भी विद्यार्थी द्वारा पार्ट 1 नहीं देखा गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमें यूट्यूब पे सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने वीडियो के पहले पार्ट में आपको बताया था कि सत्ता की साझेदारी क्रम में हमने आपको दो एग्जाम्पल दिए थे। एक एग्जाम्पल हमने बेल्जियम के दिया था कि बेल्जियम में किस प्रकार से अनेक भाषा भाषी के लोग रहते हैं, फिर भी बेल्जियम में इन सभी भाषा भाषी लोगों को एक मंच पर स्थापित करके उन्हें समान अधिकार प्रदान किए गए। ठीक दूसरी तरफ दोस्तों श्रीलंका था। श्रीलंका में किस आधार पर हमने देखा कि वहाँ पर बहुसंख्यकवाद की राजनीति लगातार चल रही थी। वहाँ पर सिंगली समुदाय को अधिक अधिकार दिया गया जबकि तमिलों को कम दिया गया। तो आज दोस्तों इसी की हम बात कर रहे हैं, दोनों यानी बेल्जियम में किस प्रकार की सत्ता की साझेदारी की स्थापना की गई थी और श्रीलंका में किस प्रकार की। तो सबसे पहले इस क्रम में हम बात करते हैं दोस्तों श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों श्रीलंका। तो श्रीलंका को स्वतंत्रता का प्राप्त हुई 1948 को। तो दोस्तों श्रीलंका भी ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश था, इसे 1947 में भारत आज़ाद हुआ। ठीक इसी प्रकार से 1948 में श्रीलंका भी आज़ाद हुआ। वहाँ पर सिंगली समुदाय बहुसंख्यक में, श्रीलंका में दोस्तों सिंगली समुदाय जो है इसकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी जबकि तमिल समुदाय की जनसंख्या कम थी। यानी बहुसंख्यक कौन था दोस्तों? सिंगली समुदाय, यहाँ की वो ये अपने आप को यहाँ के लोकल निवासी मानते हैं। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। जैसे श्रीलंका दोस्तों 1948 में आज़ाद होता है तो वहाँ पर सिंगली संख्या ज़्यादा थी और सिंगली समुदाय के लोग अपनी संख्या के आधार पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इसी के प्रभुत्व जमाने के लिए दोस्तों 1956 में एक कानून पास किया गया जिसके अनुसार सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। सरकार ने सिंगली लोगों को सरकारी नौकरियों तथा कई और क्षेत्रों में प्राथमिकता देकर कई प्रकार की सुविधाएं दी। दोस्तों जैसे हमारे भारत में 1950 में संविधान लागू किया गया और इस संविधान में दोस्तों हमने समानता स्वतंत्रता के आधार पर सभी को समान अधिकार प्रदान किए। लेकिन श्रीलंका में 1956 में कानून बनाया गया दोस्तों और यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी वहाँ की एक मातृभाषा सिंगली भाषा को मान लिया गया, तमिल भाषा को कोई प्राथमिकता नहीं दी। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों सिंगलियों को ही सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई जबकि तमिलों को किसी प्रकार की कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई। उन्हें दोयम दर्जे यानी दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता था जबकि वो भी श्रीलंका के ही निवासी थे। इस तरह से श्रीलंका में दोस्तों बहुसंख्यकवाद की राजनीति शुरू होती है। यानी जिसकी संख्या ज़्यादा है वो अपने आप को अधिक ताकतवर महसूस मानता है जबकि जिसकी जनसंख्या कम थी उनको दबाया जा रहा था। श्रीलंका में ये स्थिति थी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ये आपने समझ लिया। इसी आधार पर दोस्तों जब जो श्रीलंका में सिंगली समुदाय के लोग तमिलों के साथ व्यवहार कर रहे थे, इसी के लिए क्या हुआ, तमिल को पूरी तरह से क्या कर दिया गया, दरकिनार कर दिया। यानी तमिलों को कोई अधिकार प्रदान नहीं किए गए। जैसे भारतीय संविधान में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सभी धर्मों को एक साथ माना गया। चाहे वो किसी प्रकार कोई भाषा बोलता, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, सभी को समान अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं था। श्रीलंका में दोस्तों तमिल को पूरी तरह से क्या कर दिया गया, दरकिनार घोषित कर दिया गया। इन्हें कुछ भी अधिकार प्रदान नहीं किए गए, इन्हें दूसरे दर्जे का जैसे व्यवहार किया गया इनके साथ। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण में बढ़ावा देगी। एक तरफ से आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया गया जबकि अन्य धर्म चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे और किसी भी धर्म को उन्हें किसी प्रकार की कोई मान्यता प्रदान नहीं की गई। यानी श्रीलंका सरकार ने यह कह दिया कि हम बौद्ध धर्म को ही संरक्षण देंगे और बढ़ावा देंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते तो भारत में क्या है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत हम क्या हैं, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। यानी सभी धर्मों को समान अधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया और उन्हें ही बढ़ावा देने की बात कही गई श्रीलंका की सरकार के द्वारा जो 1948 के बाद वहाँ पर बनी थी। सरकार की नीतियों के कारण क्या हुआ दोस्तों, सरकार की नीतियों के कारण अन्य समुदाय अपने आप को बेगाना समझने लगे तथा इस कारण तमिल समुदाय और सिंगली समुदाय में संघर्ष शुरू हो गया। सरकार ने दोस्तों चूंकि सिंगलियों को ज़्यादा महत्व तो प्रदान किया, उन्हें ज़्यादा अधिकार दिया, उनको धर्म को ज़्यादा संरक्षण दिया, इसी वजह से दोस्तों श्रीलंका में जो भी दूसरे समुदाय थे चाहे वो तमिल थे
उन्होंने अपने आप को बेगाना समझ लिया। उन्हें यह लगने लगा कि दोस्तों ये सरकार पूरी तरीके से हमारे खिलाफ़ है, और क्योंकि ओबियस से बात है, सरकार ऐसा कदम ही उठा रही थी जिससे इन्हें अपने आप को दूसरा नागरिक समझने के लिए विवश होना पड़ा। इनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया ही जा रहा था। तो इससे दोस्तों सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय में संघर्ष शुरू हो गया। सिंगली जो बहुसंख्यक में, तमिल जो अल्पसंख्यक में थे, इन्हीं दोनों समुदाय के बीच दोस्तों श्रीलंका में क्या हो गया, एक जातीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। और ये जातीय संघर्ष दोस्तों, तो अब बात करते हैं दोस्तों श्रीलंका में संघर्ष की स्थिति। हमने देखा कि श्रीलंकाई सरकार ने किस प्रकार से तमिल लोगों का दोस्तों बहिष्कार किया, उनकी पूरी तरीके से अनदेखी की, उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधाएँ प्रदान नहीं की गई, जबकि सिंगलियों को ज़्यादा अधिकार दिया गया। एग्जाम्पल के लिए उनको सिंगली को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया, उसको बढ़ावा देने की बात की गई 1956 के संविधान के द्वारा, लेकिन तमिलों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया और तमिलों को पूरी तरह से अनदेखी की गई थी, उनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था। इसी के जवाब में दोस्तों क्या होता है कि श्रीलंकाई तमिलों ने अपने राजनीतिक पार्टियाँ बनाई, क्योंकि दोस्तों अकेले अगर संघर्ष किया जाए तो उसका कोई औचित्य नहीं होता है। अगर संघर्ष को राजनीतिक स्थिति प्राप्त हो जाए तो दोस्तों वो संघर्ष संघर्ष के रूप या आंदोलन के रूप धारण कर लेता है। तो ऐसे ही दोस्तों श्रीलंकाई तमिलों ने किया, श्रीलंकाई तमिल दोस्तों एकजुट होते हैं और राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू कर देते हैं। और ये जो राजनीतिक पार्टियां थी दोस्तों, वो क्या कह रही थी कि उनकी मांग क्या थी, मांग थी तमिल को राजभाषा बनाना, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। जो भी नए नए राजनीतिक पार्टियां बन रही थी, जो भी नए नए राजनीतिक दल बन रहे थे, उनका एक ही मात्र उद्देश्य है दोस्तों कि श्रीलंका में तमिलों को राजभाषा घोषित किया जाए, श्रीलंकाई तमिलों को जो तमिल भाषा भाषी लोग हैं उन्हें श्रीलंकाई सिंगलियों जैसा अधिकार प्रदान किया जाए, उन्हें स्वायत्तता हासिल हो, जैसे वो अपने क्षेत्र में सभी अधिकार प्रदान कर सके, उनके पास वो सारे अधिकार हों जो श्रीलंकाई सिंगलियों को भी अधिकार हैं। इसीलिए दोस्तों श्रीलंका में एक संघर्ष की स्थिति पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी थी या उत्पन्न हो चुकी थी। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। जो उत्तर पूर्वी श्रीलंका है दोस्तों, जैसे जाफना हो गया, ये इलाके जितने हैं श्रीलंका के, वहाँ पर अनेक राजनीतिक संगठन बने और उन सभी राजनीतिक संगठन ने श्रीलंका के उत्तर पूर्वी इलाकों को अलग राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर संघर्ष किया। और इसकी जो सबसे बड़ी अगुवाई कर रहा था वो था दोस्तों लिट्टे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिट्टे यानी लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, और इसके जो संस्थापक है वो कौन है दोस्तों, वो हैं प्रभाकरन। प्रभाकरन ने दोस्तों श्रीलंका की राजनीति में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन किया, या आप कह सकते हैं कि श्रीलंकाई जातीय संघर्ष को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और इन्होंने दोस्तों श्रीलंका में तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, और ये आंदोलन या कह सकते हैं जातीय संघर्ष ने दोस्तों श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति को जन्म दिया। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब दो समुदाय या एक समुदाय अपने आप को उच्च दूसरे को नीचे समझते हैं, ऐसी स्थिति में इन दोनों समुदायों के बीच दोस्तों क्या होता है, संघर्ष होता है, और यही संघर्ष की स्थिति बाद में क्या होता है, टकराव का रूप ले लेती है, और टकराव बाद में गृह युद्ध का रूप धारण कर लेता है। और इस गृह युद्ध ने दोस्तों श्रीलंका में है ना हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को जान माल का नुकसान पहुँचाया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों श्रीलंकाई तमिल। मूल श्रीलंकाई तमिल जो कि श्रीलंका में पैदा हुए थे उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहा जाता है, यानी वो लोग जिनका जन्म श्रीलंका में हुआ है उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहा जाता है, मूल श्रीलंकाई तमिल कहा जाता है। लेकिन श्रीलंका के भारतीय तमिल वह तमिल हैं जिनके पूर्वज औपनिवेशिक शासन के दौरान बागानों में कार्य करने वाले मजदूरों के रूप में वहाँ पर गए थे। ये दोनों समुदाय मिलाकर श्रीलंका की 18% जनसंख्या का निर्माण करते हैं। भारतीय मूल के तमिल वो तमिल हैं दोस्तों जो जब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय तमिलनाडु के लोगों को, दक्षिण राज्यों के लोगों को जबरदस्ती चाय के बागानों में काम करने के लिए औपनिवेशिक शासनकाल में ब्रिटिश सरकार श्रीलंका लगी थी और वो वहीं बस गए। तो जो वहीं बस गए थे दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा गया, उन्हें क्या गया, भारतीय तमिल। तो ये भारतीय तमिल और जो श्रीलंका तमिल है दोस्तों दोनों मिलाकर श्रीलंकाई की जनसंख्या में 18% अपना हिस्सा यानी हिस्सेदारी रखते हैं। क्लियर हो गया कि भारतीय तमिल कौन है और श्रीलंकाई तमिल कौन है। चलिए अब जैसे यहाँ देख सकते हैं चित्र में साफ साफ क्लियर है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान है ना जहाज़ों में भरकर जो श्रीलंका के चाय के बागान हैं वहाँ पर काम करने के लिए जो मजदूर गए थे वही बाद में जिन्हें श्रीलंका में क्या कहा जाता है, भारतीय तमिल के नाम से जाना जाता है, जिनके वंशज भारत में रहते थे पहले।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों बेल्जियम। तो श्रीलंका की जाति संघर्ष की स्थिति हमने देखी कि किस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका में बहुसंख्यकवादी राजनीति ने पूरी श्रीलंका को जाति संघर्ष की स्थिति में झोंक दिया और वो जाति संघर्ष कहीं जाकर 2009 में समाप्त होता है। अब बात करते हैं बेल्जियम। तो बेल्जियम की समझदारी क्या है दोस्तों, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि बेल्जियम में किस प्रकार से अनेक भाषा भाषी समुदाय के लोग रहते हैं, जो जिसने जिसको बेल्जियम ने अपने यहाँ की सत्ता की राजनीति को स्थापित किया और पूरे विश्व के लिए दोस्तों क्या एक कह सकते हैं मिसाल कायम की। अब बेल्जियम ने ऐसा क्या कदम उठाए, तो दोस्तों बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों व सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और अपने संविधान में 1970 और 1993 के बीच 4 संशोधन किए ताकि देश में रहने वाले किसी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। तो श्रीलंका में दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से श्रीलंका सरकार ने जिसकी जनसंख्या ज़्यादा थी उसे अधिकार ज़्यादा दिया और जिसकी संख्या कम थी उसको बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम में सरकार ने सत्ता की साझेदारी की मिसाल कायम करते हुए लोकतंत्र की भावना को पूरी तरीके से स्वीकार करते हुए जितने भी वहाँ पर भाषा भाषी लोग थे सभी को संविधान में संशोधन करके बार बार संशोधन करके, ऐसा नहीं कि एक ही बार संशोधन किया, जब भी आवश्यकता पड़ी तब भी तब संविधान में संशोधन किया गया और बेल्जियम में सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किए गए जिससे लोग वहाँ पर मिलजुल कर रह सके, किसी के साथ किसी प्रकार का बेगानेपन का महसूस या बेगानेपन का व्यवहार ना किया जाए, किसी के साथ दूसरे दर्जे जैसे नागरिकों का व्यवहार ना किया जाए जैसे श्रीलंका में होता आया था। किले दोस्तों, और उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया है, इसे बेल्जियम मॉडल के नाम से जाना जाता है। बेल्जियम ने जिस प्रकार से अपने संविधान में संशोधन किया वैसा संशोधन वैसी स्थिति दोस्तों किसी भी देश में नहीं है, इसलिए बेल्जियम ने जो मॉडल अपनाया है उसी मॉडल को बेल्जियम मॉडल के नाम से जाना जाता है और ये पूरी तरीके से दोस्तों एक कल्पनाशील है, या आप कह सकते बस कल्पना ही की जा सकती है कि बेल्जियम ने ऐसी स्थिति को किस प्रकार से हैंडल किया। ठीक है, अब बेल्जियम मॉडल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि बेल्जियम मॉडल है क्या। तो बेल्जियम मॉडल क्या है दोस्तों, कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। जैसे हमने देखा कि दोस्तों कि डच बोलने वाली संख्या लोगों की ज़्यादा है, फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या कम है, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं है। बेल्जियम में ऐसा क्या किया गया कि जिस चाहे वो डच बोल रहे हों चाहे फ्रेंच भाषी हों दोनों के समुदायों के मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। ऐसा नहीं कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उसके मंत्री ज़्यादा रहेंगे और जिसकी संख्या कम उसके मंत्री कम रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेल्जियम में समान मंत्रियों की संख्या की स्थिति उत्पन्न की गई चाहे जनसंख्या में वो कम ही क्यों ना हो। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषा बोलने वाले समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो, इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं। तो बेल्जियम में दोस्तों कि कोई भी कानून बनाने के लिए दोनों समुदायों की सहमति जरूरी है, कोई एक समुदाय किसी कानून को ना तो ही रद्द कर सकता है ना ही उसे लागू कर सकता है, दोनों समुदाय की सहमति से कानून बनते हैं और रद्द होते हैं। ये बहुत एक अच्छी स्थिति है बेल्जियम में, इसे अपनाया गया, इसे बेल्जियम मॉडल के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या कदम उठाया गया, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के लिए नहीं है। तो बेल्जियम में क्या होता है दोस्तों कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ हैं वो देश के अलग अलग इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार दी नहीं है, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्षेत्रीय शक्तियाँ क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई और केंद्र शक्तियाँ जो हैं उनका दखल क्षेत्रीय सरकारों में नहीं है। तो क्षेत्रीय सरकार दोस्तों अपने इलाके में कानून बनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, इससे क्या होता है दोस्तों बेल्जियम में जो सत्ता के विकेंद्रीकरण पूरी सही तरीके से अपनाया गया और उससे संघर्ष की स्थिति को पूरी तरह से नकार दिया गया। ठीक है, यानी क्षेत्रीय सरकार स्वतंत्र है अपने कानून और अपने अधिकार को लागू करने के लिए। इसके अलावा चौथी बात क्या थी दोस्तों बेल्जियम में, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। यदि इस टॉपिक से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हमारी तरफ से उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों यूट्यूब पर हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, आपका एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब हमें और प्रोत्साहन देता है ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।